अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जी सुबह की सफाइयाँ हो रही हैं और आज अफ़ान की ये बेडशीट चेंज करने वाली थी, मतलब ये थोड़ा जो है ना इससे पानी गिर गया था तो उस पर जो है उसको गीला मैट्रेस गीला हो गया, तो मैंने सोचा चलो इसको बेडशीट वगैरह पूरी चेंज कर दूँ। उसका जो फिटेड शीट होती है वो भी उसकी वॉश कर दी मैंने साथ फिर, और बेडशीट तो मतलब एक्स्ट्रा थी लेकिन वो शीट वॉश कर दी तो इसलिए उसको फिर दोबारा कवर नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा जब तक वो वॉश होकर ड्राई हो रहा है, मैंने मैट्रेस को भी धूप में रख दिया, ज़ाहिर है वो भी गीला हो गया था, तो उसको धूप लगवाने के बाद और तब तक इसकी ये शीट भी फिटेड शीट जो है जर्सी फिटेड शीट ये भी ड्राई होगी। ये बहुत अच्छी रहती है, इसके साथ बेडशीट जल्दी ख़राब नहीं होती है, उसको वो इलास्टिक से ऐसे चारों तरफ से जो है ना स्टिच हुई होती है तो वो बड़ा अच्छा प्रॉपर से उस पर कवर हो जाता है मैट्रेस। और ऊपर जी शीट मैंने फिर वाइट बेडशीट है जो वो बिछा दी है और अच्छा सा सारा बेड सेट हो गया है, फ़ान का नीट क्लीन हो गया बिल्कुल, पिलो कवर भी चेंज कर दिया और झाड़ के अच्छी तरह सारा बेड मैंने खोल के नीचे जो ड्रॉर वगैरह वो सब भी क्लीन कर दिया और अब बेड अच्छी तरह से नीट क्लीन हो चुका है। ब्लैंकेट्स वगैरह भी मैंने फ़ोल्ड करके उसमें रख दिए हैं, बाकी का काम मैं पहले कर चुकी थी, किचन वगैरह भी क्लीन हो गया तो बस इसका वेट था कि ये ड्राई हो जाए तो ये सब भी सेट करूँ। और ये देखें ये अफ़ान अपनी ट्रेन बना के, अभी मैंने काम पूरा ख़त्म भी नहीं किया है तो ये माशाल्लाह से जो है ना अफ़ान के काम शुरू हो गए हैं। मैं अपना बेड तो क्लीन कर चुकी थी तो बस अब ये ट्रेन इसके बेड के इर्द गिर्द जो है ना चलाता रहेगा और तब तक मैं बाकी काम कर लूँगी अपना। तो सफाई वगैरह ख़त्म होने के बाद अब बारी है अफ़ान के कपड़े प्रेस करने की, आज इसी के थे प्रेस करने वाले, बाकी अभी मैं मतलब एक साथ नहीं मैं कर रही, बारी बारी कभी कभार एक ही बार मैं कर लेती हूँ, पहले अफ़ान के कर लेती हूँ बाद में इसके पापा के कर लेती हूँ, पर अभी मैंने सोचा है फ़िलहाल जो है ना अफ़ान के करती हूँ तो बाकी जो हैं वो देखूँगी, अगर दिल किया तो मैं कर लूँगी नहीं तो वो बाद में कहीं कर लूँगी। और ये अफ़ान के शलवारें और कुर्ते ये मैंने पाकिस्तान से जब मैं वहाँ गई थी लास्ट ईयर गर्मी, हमने वहाँ स्पेंड की थी काफ़ी टाइम वहाँ गुजारा था गर्मी का, तो बस वहाँ पर ये मैंने कुछ इसके लॉन के कॉटन के जो हैं शलवारें और कुर्ते स्टिच करवाए थे तो वो मैं यहाँ भी आते हुए ले आई थी। यहाँ भी जिस दिन कहीं थोड़ा सा हल्का, क्योंकि अब मौसम यहाँ काफ़ी चेंज हो रहा है तो जब कहीं हल्का ठंडा मौसम हो तो मैं ये कपड़े इसको पहना देती हूँ, और जब नॉर्मल जैसे गर्मी वगैरह हो धूप हो तो फिर वही शॉर्ट्स और टी शर्ट वगैरह वही चल जाती हैं। तो बस अभी यहाँ पे कपड़े प्रेस हो गए हैं और ये वाइट जो है ये अफ़ान की बेडशीट है, ये जो वॉश की थी मैंने वो भी ड्राई होगी, और ये कॉटन की है तो इन्हें भी प्रेस करना पड़ता है, तो बस यहाँ पे ये कपड़े वगैरह इसके भी प्रेस हो गए हैं, काफ़ी काम मेरा हो गया है, मैं इन्हें समेटूँगी। तो अभी जी मैंने बनाया है मिल्क शेक, थोड़ा सा मतलब शाम का टाइम हो रहा है तकरीबन कुछ 4:30-5 बजे का टाइम है, तो अभी हस्बैंड बाहर गए हुए थे, वो बाहर से आए हैं तो मैंने सोचा चलो मिल्क शेक बना दूँ, वो मैंगोज़ लेकर आए तो पहले का एक पड़ा हुआ था, एक ही था तो मैंने सोचा चलो उसका मैं मिल्क शेक बना देती हूँ, ज़रा ठंडा ठंडा मज़े का है। दिन में तो थोड़ी धूप होती है और बाहर जब जाओ तो थोड़ी बाहर गर्मी लगती है चलने फिरने से धूप में जब चलो, तो बस अभी बाहर से आए वो तो मैंने आगे ठंडा ठंडा सा मिल्क शेक रेडी कर दिया है। ये हैं जी मैंगोज़ जो न्यू आए हैं अभी, ये पाकिस्तानी आम मिल गए हैं फिर, और इस बार जब वो शॉप पे गए लेने के लिए तो वहाँ उसने शॉपकीपर ने ये बोला कि शायद ये लास्ट है इस सीज़न का, नेक्स्ट टाइम कुछ पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते कि आम आएंगे या नहीं क्योंकि यहाँ अब ऑलमोस्ट गर्मी जा ही रही है तो पता नहीं अब यहाँ मैंगो मिलेंगे या नहीं, तो फ़िलहाल ही नहीं इंजॉय करेंगे लास्ट समझ के ही। तो अभी जी अब जो मैं लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैं ये एक स्टोरेज बॉक्स लाई थी अपनी अलमारी के लिए, तो ये लास्ट जब छुट्टी थी तब हम लेकर आए थे तो आज इसको लगाने की बारी आई है, क्योंकि आज जब हस्बैंड घर पे हैं तो मैंने उनसे ही कहा है, मैं खुद मैंने कोशिश नहीं की क्योंकि ये देखें ये अलमारी काफ़ी ऊँची और ये जो पाइप नज़र आ रहा है इसके ऊपर इसको लगाना है, तो मैंने खुद ये ट्राई नहीं किया, मैंने हस्बैंड से ही कहा कि चलें वो घर हैं तो वो ये काम कर दें, और यहाँ वो स्टोरेज बॉक्स उन्होंने लगा दिया है और ये काफ़ी सारी इसने जो है ना मतलब काफ़ी स्पेस इसमें इससे बन गई अलमारी में, देख सकते हैं पहले सारे बस ये कपड़े नीचे ही रखे हुए थे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ आने की जगह नहीं थी, तो अब काफ़ी सारी इसमें जगह बन गई है, मेरे बैग्स भी उसमें आ गए हैं 2-3, और ये जो है कंबल वॉश करवाया था जो सर्दियों में जिसकी जान छोड़ी थी हमने तो ये वॉश करवाया था ये भी आया हुआ, तो ये समझे इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे ये डायपर्स का बॉक्स है तो ये मैं किचन में ही टेबल पर रखती थी एक साइड पर, और ये कंबल जो है ये अफ़ान की अलमारी के ऊपर हमने रखा हुआ था, तो मतलब इस तरह थोड़ा मैसी लगता है, ज़ाहिर है चीज़ें यहाँ वहाँ बाहर पड़ी हों तो थोड़ा बिखरा हुआ लगता है अलमारी में, फिर भी चलो छुपा तो रहता है समेटा रहता है,
तो कपड़े वगैरह उसमें स्टोरेज बॉक्स में आने से काफ़ी जगह अलमारी में बन गई। तो बस ये कंबल और ये डायपर जो इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये सब भी मैंने यहाँ पे फिट कर दी हैं। तो जी अभी हम आए हैं थोड़ा घर का काम ख़त्म करने के बाद, अभी हम अफान को पार्क ले आए हैं, काफ़ी दिन हो गए थे। तो बस ऐसे ही मतलब पूरा वीक तो मैं अकेली तो मैं जाती नहीं, क्योंकि ये अकेला मुझसे जो है ना कंट्रोल नहीं किया जाता है। एक तो ये भागता है इधर उधर और बाहर निकल जाता है पार्क से, तो फिर इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, जो कि मैं तो थोड़ी सी देर करके बस थक जाती हूँ। तो फिर जब इसके पापा भी घर हों तो मैं मोस्टली कोशिश ये करती हूँ कि हम दोनों साथ इसको ले जाएँ, तो थोड़ा बहुत इसका मैं ध्यान रखूँ, इसके पीछे पीछे भागूँ और थोड़ा फिर इसके पापा इसको संभाल लेंगे। तो इसलिए आज इसको हम पार्क ले आए हैं। और ये वैसे भी अकेले में ज़्यादा, मुझे ये भी होता है कि इसको वापस यहाँ से ले जाना बहुत मुश्किल होता है। इसे ज़बरदस्ती एक तरह से ना खींच के गोद में उठा के घसीट के एक तरह से वापस लाना पड़ता है। बहुत शोर मचाता है, काफ़ी रोता है और चीखता है कि मुझे अभी वापस नहीं जाना, चाहे ये 1-1.5 घंटा खेल लो, जितना मर्ज़ी ये यहाँ खेल ले। तो माशाल्लाह से ज़ाहिर है बच्चे कहाँ थकते हैं ऐसी चीज़ें, फिर कभी कभी मिलें हर वक्त घर में बंद रह रह के, तो जब ये पार्क्स वगैरह में या बाहर कहीं निकलते हैं तो ये माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ बस अभी अफान का भी वही हाल है, थोड़ा सा ये खेल रहा है, मैं बेंच पे ही सामने ही बैठ गई हूँ आराम से, कि चलो नज़रों के सामने जब ये कहीं बाहर जाता है दूर तो फिर मैं रोक लेती हूँ। तो अभी जी रात का खाना है, और रात के खाने में आज बना है पालक गोश्त। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले। सिंपल सा चिकन को अलग से भूना मैंने और पालक को अलग बॉईल करके, जब चिकन भुन गया तो वो बॉईल हुई पालक मैंने चिकन में डाल दी, उसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया और उन्हें अच्छी तरह से मैंने, जब तक वो योगर्ट या जो भी पानी वगैरह बॉईल पालक का जो छोड़ा उसने, वो सब जब ड्राई हो गया मैंने उसे अच्छी तरह भून लिया। साथ में ये सलाद के पत्ते हैं, सैलड में सबसे मज़े की और मेरी सबसे फेवरेट चीज़ यही है, ये जो ग्रीन सैलड के पत्ते होते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा खाना रेडी हो चुका है रात का, अभी हम खाना एंजॉय करेंगे और यहीं मैं वीडियो को करूँगी एंड। तो आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत जल्दी मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।